الحمد لله وكفى وسلام على بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم जहाँ उलमाए हक होंगे वहाँ पर और क्या होगा, जहाँ उलमाए हक होंगे वहाँ पर और क्या होगा, खुदा की बात होगी और जिक्र मुस्तफ़ा होगा, जहाँ उलमाए हक होंगे वहाँ पर और क्या होगा, खुदा की बात होगी और जिक्र मुस्तफ़ा होगा, जो बच्चा बकरियाँ दाई हलीमा की चराता है, जो बच्चा बकरियाँ दाई हलीमा की चराता है वही बच्चा बड़ा होकर इमामुल अंबिया होगा, वही बच्चा बड़ा होकर इमामुल अंबिया होगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा कई हफ्तों से चल रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, सब कुछ हुआ, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से करा दिया और उनके बतन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद हुई, दो बेटे हुए और चार बेटियां पैदा हुई। बात यहां तक पिछले हफ्ते चली थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हो गई, चुनांचे पहली औलाद जो हुई है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कासिम जो आपके बेटे हैं, इसीलिए हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबुल कासिम कह करके पुकारती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुन्नियत है अबुल कासिम। हज़रत खदीजा कहती, अबुल कासिम कैसे हैं आप, आपकी तबीयत कैसी है। उसके बाद बेटी हुई ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसुम और फातिमा, चार बेटियां और दो बेटे, कासिम और अब्दुल्ला। हिजरत जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा कर गए हैं तो हिजरत के बाद एक बेटा हुआ है मारिया किब्तिया से, जिनका नाम है इब्राहिम। तो तीन बेटे हुए और चार बेटियां। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको बताया था कि हजरत खदीजा मक्का में बहुत मालदार औरत थी। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा के साथ रहने लगे उन्हीं के घर में। हजरत खदीजा के घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहने लगे, औलाद हुई, आपकी उम्र हुई 27 साल, 28 साल, 30 साल, इन्हीं दरमियान जो है आपकी औलादें हुई। इन दरमियान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां भी चराते थे, लेकिन असल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत की, आप, मैंने बताया था आपको कि मुल्क शाम और यमन में लोग सफ़र किया करते थे तिजारत की नियत से,
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत भी करते थे और इसके साथ साथ चूँकि खदीजा रजी अल्लाह अन्हा मालदार थी तो जो यतीम रहता था और जो बेवाएँ औरतें रहती थीं और सोसाइटी में जो कमज़ोर तबका था, हजरत खदीजा के ज़रिए सिफारिश करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके माल से मदद किया करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल हो गई है तो काबा जो बैतुल्लाह है इसकी तामीर करने का लोग इरादा करने लगे, इसलिए कि काबा के अतराफ में आज तो आप जाएंगे देखेंगे बिल्डिंगें हैं, वो घड़ी लगी हुई है, जगह जगह इमारतें हैं। जो लोग हज उमरा करने जाते हैं वो ये मंज़र देखे होंगे। अल्लाह ताला सबको पहुँचाए वहाँ पर और अपने घर का दीदार नसीब फरमाए। तो पहले ये सब इमारतें नहीं थी। अच्छा, जो पहाड़ है सामने सफ़ा मरवा है और इधर जबल अबू कुबैस वगैरह जो पहाड़ हैं, तो पानी जो आते थे जिसकी वजह से काबा की दीवार कमज़ोर पड़ गई। तो अब लोगों ने उसकी तामीर का सोचा कि तामीर इसको हम करेंगे। चुनांचे अबू तालिब ने, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, इन्होंने काम को जो है तकसीम कर दिया। फला ख़ानदान वाले ये दीवार तामीर करेंगे, फला कबीले वाले ख़ानदान वाले ये दीवार तामीर करेंगे। इस तरीके से काम तकसीम हो गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा मसला ये था कि इस काबा को गिराएगा कौन? जब तामीर करना है तो उसको मुनादिम करना पड़ेगा। हिम्मत किसी की हो नहीं रही है, काबा गिराएंगे कैसे? इसलिए कि पहले देख चुके थे कि अबराहा जब यमन से काबा को ढाने के लिए आया है तो अल्लाह ने उसका कैसा अंजाम किया, इसलिए डर रहे थे। आगे बढ़ेगा कौन? किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। तो एक आदमी ने यह मशवरा दिया सोसाइटी में और ख़ानदान वालों में, मैं फावड़ा लेकर के जाऊंगा बैतुल्लाह को मुनहदिम करने। अगर मैं बच गया, अगर अल्लाह का अजाब ना आया, मैं बच गया तो समझ लेना अल्लाह ताला नाराज़ नहीं है, अल्लाह राज़ी हैं, फिर तुम लोग चले आना। चुनांचे फावड़ा लेकर के जब गया और पहली कुदाल मारी तो कुछ नहीं हुआ, अल्लाह की तरफ से पकड़ नहीं आई, अजाब नहीं है, इसलिए कि नीयत अच्छी थी, नीयत ही लोगों की तामीर करने की थी। चुनांचे जो लोग भाग करके पहाड़ वगैरह पे चढ़ गए थे उतर आए और काबा की दीवार को मुनहदिम कर दिया गया। यहाँ तक कि दीवार गिराते गिराते बैतुल इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चूँकि बुनियाद रखी थी तो जब वहाँ तक पहुँचे हैं और कुदाल वहाँ पर मारी है तो मक्का में एक ज़ोरदार धमाका हुआ, अब लोग डर गए। दरअसल ये धमाका जो था ये इशारा था कि अब इससे नीचे मत जाओ, बुनियाद को मत खोदो। ये कवायद इब्राहिम है, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाई है, अब इससे नीचे जाओगे तो ख़तरा है। जब धमाका हुआ तो लोग डर गए और सहम गए। अल्लाह ताला ने कवायद इब्राहिम की, बुनियाद इब्राहिम की अल्लाह ने हिफाजत फरमाई और फिर उसी बुनियाद पर जो है काबा तामीर हुई, दीवारें मुकम्मल हो गई। अब छत का काम है, दीवारें जब कुछ ऊंचाई पे चली गई तो मसला हजरे अस्वद का आया। हजरे अस्वद को रखेगा कौन? ये तो बहुत बाबरकत पत्थर है जिसको हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से ले आए थे। आज आप काला पत्थर देख रहे हैं, ये दरअसल इंसानों के इस्तेलाम और चूमने की वजह से ये पत्थर तो बहुत चमकदार था, सफ़ेद था, दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद था। इंसानों के गुनाहों ने उसे काला कर दिया। जब कोई आदमी उसको चूमता है या दूर से इस्तेलाम करता है, हरी लाइट वगैरह लगी हुई है, जब लोग जाते हैं तो उनको बता दिया जाता है। बहरहाल दाईं तरफ से आदमी बाईं तरफ से वो तवाब शुरू करता है तो जब इस्तेलाम करता है आदमी चूमता है तो आदमी के गुनाह हजरे अस्वद खींच लेता है जिसकी वजह से वो सफ़ेद पत्थर सियाह हो गया है। कल क़यामत के दिन ये हजरे अस्वद जिन जिन लोगों ने उसको चूमा है और उसका इस्तेलाम किया है अल्लाह के हुजूर सिफारिश करेगा और उसकी सिफारिश कबूल की जाएगी। तो इतना बाबरकत पत्थर है उसे रखेगा कौन? यहाँ आके मसला अटक गया और लड़ाई छिड़ गई।
फला सात कबीले हैं, फला कबीले और ख़ानदान वाले कह रहे हैं हजरे अस्वद हम रखेंगे, फला कह रहा है हम रखेंगे, लड़ाई छिड़ गई है। और अरब की ज़माने जाहिलियत में तो ख़ानदान में ऐसी लड़ाई छिड़ती थी कि साल साल तक चलती थी, छोटी छोटी बात पे लड़ाई छिड़ जाती थी। हजरे अस्वद के मामले में नौबत यहाँ तक आई कि लोग तलवार लेके खड़े हो गए और प्याले में खून था, उस खून में अपना हाथ डबो लिए कि अब जिसकी हिम्मत आ गया हजरे अस्वद को रखो, हम रखेंगे। अब सामने वाला कह रहा हम रखेंगे, लड़ाई छिड़ गई है। तो एक आदमी ने तजवीज़ पेश की और ये मशवरा दिया, देखो लड़ाई झगड़ा मत करो, सब लोग अपने अपने घरों को चले जाओ, आला सबा सुबह में जो सबसे पहला आदमी मस्जिद हराम में आएगा उसी को हकम मान लो, उसी को फैसल मान लो, वो जो फैसला करेगा उस पर राजी रहो। सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। सब जब सुबह सादिक हुई, सबसे पहले मस्जिद हराम में पहुंचने वाले शख्स इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। पीछे कुफ्फारे मक्का लपके आ रहे हैं, लेकिन मस्जिद हराम में सबसे पहला दाखिला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होता है। अब जब सब लोग देखते हैं तो एक बेग पुकार उठते हैं, हाजल अमीन हाजल अमीन, ये तो अमानतदार है, ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है, हम इनके फैसले पर राजी हैं। ये पहले ही अगर फैसला कर देते तो भी हम इनके फैसले पर राजी हो जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं और कैसा दानिशमंदाना और अकलमंदी के साथ बसीरत के साथ आपने लड़ाई को ख़त्म कर दिया और ऐसा फैसला फरमाया कि आज भी दुनिया याद करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक बिछाई और उस पर हजरे अस्वद को रखा गया और जितने कबीले थे कबीले के सरदारों को कहा गया कि तमाम लोग एक अपना चादर जो है चादर का कोना पकड़ लो और पकड़ करके बैतुल्लाह के पास ले चलो। चुनांचे सब ने चादर को पकड़ा, बैतुल्लाह के पास ले गए। जब उस दीवार के करीब आए जहाँ हजरे अस्वद रखना था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ उठाया और हजरे अस्वद को नसब कर दिया। लड़ाई बची कि नहीं बची? वरना तो लड़ाई ऐसी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ाई करवाने के लिए नहीं आए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनी कराने के लिए नहीं आए थे, आप तो इंसाफ करने आए थे, आप आदल करने आए थे। ख़ानदान ख़ानदान की जो लड़ाइयाँ होती हैं और ज़ात और पात की जो लड़ाइयाँ होती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको मिटाने आए थे। चुनांचे आपने वो कारनामा अंजाम दिया जिससे इतनी बड़ी लड़ाई ख़त्म हो गई। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक है, 35 साल। उसमें ये वाक़या पेश आया, सब लोग अपने अपने घरों को चले गए, हजरे अस्वद नसब कर दिया गया। अब नबुवत का दौर करीब आ रहा है, 40 साल में नबुवत मिलने वाली है, वो दौर अब करीब आ रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल ख्वाब देखते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब देखते थे और जो ख्वाब देखते थे सुबह में वही सच्चा हो जाता था। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा ख्वाब था। अंबिया का ख्वाब सच्चा ही होता है, वो वही होती है जो अल्लाह की तरफ से की जाती है। जो आप रात को देखते सुबह वैसे ही। चुनांचे आप सुने होंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था कि अपने बेटे इस्माइल को ज़बह कर रहा हूँ। तो अंबिया का ख्वाब सच्चा होता है। ख्वाब तीन तरह के होते हैं, मैं ज़्यादा इस पर छेड़ूंगा नहीं, बात कभी आएगी इंशाल्लाह ख्वाब पे तफसील से बात करूंगा। एक ख्वाब होता है रहमानी और एक ख्वाब होता है शैतानी और एक ख्वाब होता है ख्यालात नफसानी। रहमानी जो ख्वाब होता है ये सच्चा होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सच्चा ख्वाब नबुवत का 46वां हिस्सा है, यानी वो सच्चा ख्वाब होता है, एक शैतानी ख्वाब होता है। इसीलिए जब आदमी ख्वाब देखे तो ऐरे गैरे नथू खैरे से इसकी ताबीर ना पूछे। आज तो जहालत का दौर है, हर तरफ लुटेरे बैठे हुए हैं, अपनी झोलियाँ फैलाए हुए और लोगों से दीन के नाम पर, कुरान के नाम पर,
हदीस के नाम पर माल बटोर रहे हैं और लोगों को ताबीरें भी दे रहे हैं, ऐसे भी लोग दुनिया में मौजूद हैं, जबकि ये इतना बारीक इल्म है, ख्वाब की ताबीर का इल्म है। चुनांचे एक बुजुर्ग और अल्लामा गुजरे हैं, अल्लामा इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी किताब है ताबीरुर रुया। एक आदमी ने ख्वाब देखा, वो ख्वाब ये देखा कि मेरे घर में आग लगी हुई है, मेरे घर में आग लगी हुई है। तो आपने उसको ताबीर दी कि जल्दी से जाओ और अपने चारपाई के नीचे खोदो, खजाना दफन है। चुनांचे ये आया और जब उसको खोदा तो उसके नीचे खजाना मिला। इसी तरह ये ख्वाब एक आदमी और बयान किया कि मैं देखा हूँ ख्वाब में कि मेरे घर में आग लगी हुई है। तो अल्लामा इब्ने सीरीन ने इसकी ताबीर बताई, जाओ जल्दी से घर का सामान बाहर निकालो, तुम्हारा घर गिरने वाला है। ख्वाब दोनों एक जैसे हैं, ताबीर अलग अलग है। ताबीर ऐसी क्यों दी? पहले आदमी ने जो ख्वाब देखा था ठंडी के मौसम में देखा था, और दूसरे आदमी ने जो ख्वाब देखा था गर्मी के मौसम में देखा था। लेकिन अब ये कोई कायदा नहीं है, कहीं आप सोचो कि मैंने ठंडी में ख्वाब देखा है मेरे घर में आग लगी हुई और जाके घर की खुदाई कर दो, ऐसा मत करिएगा। ये बहुत बारीक इल्म है, ताबीरुर रुया, ख्वाबों की ताबीर का इल्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रात को ख्वाब देखते वो सुबह में सच्चा हो जाता है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत से पहले ये आसार जाहिर हो गए। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबलुन नूर, अभी तो इमारतें हो गई हैं, वरना गारे हिरा जो है, गारे हिरा जिसको हम कहते हैं, जबलुन नूर की जो पहाड़ी है उसी पे गारे हिरा है, वहाँ तक जाने का रास्ता नहीं है, बोर्ड वगैरह लगे हुए लेकिन रास्ता नहीं है। आप सोचो, ताज्जुब करो, जो लोग वहाँ गए हज उमरा करने के लिए, गारे हिरा कितनी ऊंचाई पे है, एक आम इंसान हट्टा कट्टा नौजवान चढ़ने में हालत ख़राब हो जाएगी गारे हिरा पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे तशरीफ़ ले जाते होंगे अल्लाह ही बेहतर जानता है, और कितना आपको ताकत और कुव्वत रही होगी। ये तो एक मर्द हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ एक महीना आप क़याम किए हैं उस गारे हिरा में जो जबलुन नूर की वादी में मौजूद है। गारे हिरा कभी कभी खाने पीने का सामान ख़त्म हो जाता, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा खुद ही फ़िक्र के साथ वहाँ पहुँचा देती थी। एक औरत कैसे चढ़ती होगी, ज़रा सोचो, अंदाज़ा लगाओ। बहरहाल उस जबलुन नूर की जो वादी में और उसके ऊपर गारे हिरा जो मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ रहते थे और क्या करते थे, अल्लाह की मखलूकात में गौर व फिक्र करना, तदब्बुर करना, आसमान और ज़मीन की तख्लीक और इंसानों की तख्लीक में तदब्बुर करना, फिक्र करना, अल्लाह की कुदरत को सोचना, उसकी बनाई हुई कारीगरी में गौर व फिक्र करना, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल वहाँ करते थे। वहाँ ज़्यादा जगह भी नहीं है गारे हिरा में, ज़्यादा से ज़्यादा दो आदमी खड़े हो सकते हैं, वो भी मुश्किल से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ रखते थे। इत्तेफाक ऐसा हुआ, एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में मौजूद हैं और फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर होते हैं और आपको पकड़ के लगाते हैं, भेजते हैं और कहते हैं इकरा, पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा अना बिकारी, मैं पढ़ नहीं सकता। फिर दूसरी बार जो है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दबाया और कहा पढ़िए, आपने कहा मैं नहीं पढ़ सकता। तीसरी बार फिर फरिश्ते ने आपको दबाया और कहा पढ़िए, आपने कहा मैं नहीं पढ़ सकता। चौथी बार कहा फरिश्ते ने इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़िए उस परवरदिगार के नाम से जिसने आपको तमाम मखलूकात को पैदा किया है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, खलक अल इंसान मिन अलक, जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़िए आपका रब बड़ा करीम है। ये आयत, पांच आयतें शुरू की नाजिल हुई गारे हिरा में। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयत नाजिल हुई तो मनसबे नबुव्वत के बोझ
और फरीज़े नबूवत की जिम्मेदारी का एहसास और वही का बोझ आपको जिस्म में ऐसा लर्जा और कपकपी तारी हो जाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांपने लगते हैं और घर जाते हैं सीधा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा से कहते हैं जम मिलूनी मुझे कंबल ओढ़ाओ, मुझे कंबल ओढ़ाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंबल ओढ़कर लेट गए। जब थोड़ा सुकून हुआ, तसल्ली हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा माजरा हजरत खदीजा को बताया। तो इनके भाई थे चचा साद खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के, जिनका नाम है वरका बिन नौफल। ये मुशरिकों से बेजार होकर ईसाई धर्म कबूल कर लिए थे। आलिम थे, तौरात भी इनको मालूम थी, इंजील के भी हाफिज थे, यहाँ तक कि ट्रांसलेशन करते थे इंजील का अरबी में, माहिर थे और तमाम चीज़ें मालूम थी इनको कि वही और जिब्राइल ये फरिश्ते कौन हैं। हजरत खदीजा इनके पास लेके आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया कि मेरे प्यारे शौहर ने इसी तरह के साथ इनके साथ मामला पेश आया है। तो उस वरका बिन नौफल ने, जो ईसाई आलिम थे, उन्होंने कहा कि ये नामूस है, ये वो फरिश्ता है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही लाया करता था। मुबारक हो तुम्हारे ये शौहर, अब ये तुम्हारे शौहर मोहम्मद नहीं रहे बल्कि ये रसूलुल्लाह हैं। ये कौन है? रसूलुल्लाह है, ये आखिरी नबी रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब जब वरका बिन नौफल ने ये कहा तो उसने एक बात ये भी कही, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, ये आबरू के जो बाल हैं आँखों पे उसके आ गए थे, 100 साल से उम्र तजावुज़ कर गई थी। कहा काश मैं जिंदा होता जब आपकी कौम आपको मक्का से निकालेगी। उसने ये कहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौंक गए कि मेरी कौम मुझे निकालेगी, ऐसा भी होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या ऐसा भी होगा? तो उसने कहा हाँ, जो नबी भी इस दुनिया में आया है उनको घर से बाहर निकाला गया है। दो बात तमाम अंबिया में मुश्तरक है, तमाम अंबिया में, एक तो बकरियां चराना, हर नबी ने बकरियां चराई हैं और उसकी वजह हिकमतें बहुत सारी हैं, लेकिन एक हिकमत ये भी है इसमें कि बकरी कमज़ोर जानवर होता है और इधर उधर नाचती ज़्यादा है, शरारत ज़्यादा करती हैं, अब उसमें आदमी को भागना पड़ता है पीछे, तो जाहिर सी बात है बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये तहम्मुल, ये बकरियों के ज़रिए से ये बर्दाश्त करना सिखलाया गया। और कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसको घर से निकाला ना गया हो, घर ना छोड़ना पड़ा हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वरका बिन नौफल ने जो ये कहा और ये भी साथ में कहा, अगर मैं ज़िंदा रहूँगा तो आपका पूरा पूरा साथ दूँगा। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वरका बिन नौफल को बुरा भला कहने से मना किया और कहा कि मैंने उन्हें जन्नत में देखा है। वरका बिन नौफल, ये आपकी हिमायत की ताईद नबुव्वत मिलने से पहले कर रहे हैं। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए जब इसके पास से, तो अब यहाँ पर 2.5-3 साल तक वही आना बंद हो गई। ये 5 आयतें नाजिल हुई हैं, इसके बाद वही आना बंद। अब आगे क्या होगा, वक्त हो गया है, इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ता। यहीं से ये 5 आयतें नाजिल होने के बाद फिर क्या होता है, इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते इसका तस्करा चलेगा। अल्लाह तो ये जो 40 साल तक आपकी ज़िंदगी है, इसमें आपने सुना होगा आप कैसे थे, आपकी सीरत क्या थी, आपका किरदार क्या था, वो सब हमें और आपको अपनाना चाहिए। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।